जवानी की एक चमकती हुई अदा तिजारत के सफर पर अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम को जा रहे हैं। तिजारती काफिला एक उबूरी ठिकाने पे पहुंचा। रास्ते में एक उबूरी ठिकाना था, एडहॉक थे, ठंडे पानी का चश्मा था, मीठे पानी का चश्मा था, घनी छांव के दरख्त थे। काफले कुछ देर रुका करते थे। आज ये काफला पहुंचा जिसमें अल्लाह का महबूब आया था। इस ठिकाने का एहतमाम एक ईसाई राहिब करता था, बूढ़ा बुहेरा राहिब, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, सफेद अबरू। ये काफला एक दरख्त के नीचे बैठा, बुहेरा अपने मस्कन के बालाई हिस्से से उतर कर नीचे आ गया। काफला वालों से कहने लगा, कहां से आए हो? बताया गया, मक्का से। फिर पूछा, तुम्हारा लीडर कौन है, तुम्हारा अमीर कौन है? उन्होंने इशारा किया अबू तालिब हाशमी की तरफ। फिर तीसरा सवाल किया, इस लड़के का क्या नाम है? काफला वालों ने कहा, मोहम्मद है, अहमद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुहैरा ने हाथ में वरके थे, उन्हें देखा, फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा। फिर चौथा सवाल किया, ये किसका लड़का है? पहले दूसरे जवाब दे रहे थे, अब अबू तालिब मुतवज्जे हुआ, कहने लगा, मेरा लड़का है। क्या बात है, तुम तो बड़े संजीदा सवाल करते चले जा रहे हो, मेरा लड़का है, क्या बात है? बुहैरा ने फिर वरके देखे, रहमत आलम के चेहरे की तरफ देखा, कहने लगा, अबू तालिब तुम कहते हो आपका लड़का है और इंजील कहती है इसे यतीम होना चाहिए, तो मैं तेरी बात मानूं या इंजील की बिशारतों पर ईमान कायम रखूं? अबू तालिब चौंक गया, कहने लगा, बुहैरा ये तो वाकई यतीम है, मेरे भाई का बेटा है और चचा बाप की जगह हुआ करता है, मैंने तो इस निस्बत से अपना बेटा कहा और कुर्बान जाऊं इसके कदमों की खाक पर, मैं तो इसे बेटों से भी ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन तुझे कैसे पता चल गया कि ये यतीम है, ये कैसे पता चला कि ये गैर मामूली हस्ती है? बुहैरा कहने लगा, ये काफला जब दूर से आता दिखाई दिया, मैं मकान की छत पे बैठा देख रहा था, तपते हुए सहरा के सीने पर हजारों काफले आते हैं और जाते हैं, लेकिन आज ये काफला बड़ा अजीब था। मैंने देखा बादल का एक टुकड़ा इस काफले के सर पे साया किए हुए साथ साथ चल रहा है। मेरा सस्पेंस बढ़ा, तजस्सुस बढ़ा कि इस काफले में वो कौन है जिसके लिए कुदरत ने ये एहतमाम किया है। तो ये लड़का काफले से हटकर चलने लगा, मैंने देखा बादल का वो टुकड़ा इसी के सर पे साया अफगन हो गया। मोहम्मद था ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी प्यारी बात कही है मेरे आका के हुस्न व जमाल की, कि ये अमामा की सजावट, ये जबीने रोशन, ये कबाए आरबी और ये नीचा दामन, मुर्दा भी देखे तो कर चाक गरीबान कफन, उठ चले कब्र से बेताब जुबा पर ये सुखन, मरहबा सैयद मसीह मदनी उलारबी, दिलो जान बाद हिदायत के अजब खुश लकबी, मनम बे दिल बजमाले तू अजब हैरानम, अल्लाह अल्लाह चे जमालस्त बदी बुल्ला जबी, चश्मे रहमत बकुशा सुए मनंदाज नजर, ए कुरैशी लकबी हाशमियो मुत्तलबी। बुहैरा कहता है, जब ये काफला करीब आया मैंने इस बच्चे के चेहरे के नकूश का मुताला किया,
मुझे इंजील की सारी बिशारते जलवा फरोज नजर आई। रहमत आलम का दामन पकड़ लेता है वो बूढ़ा, कहने लगा मोहम्मद राह हक में बहुत सताए जाओगे, सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के साथ जो कुछ हुआ करता है तेरे साथ भी वही होगा। तेरे रास्ते में लोग कांटे बिछाएंगे, सोशल बहिष्कार किया जाएगा, तुझ पर पत्थर फेंके जाएंगे, तीर फेंके जाएंगे। ऐ काश के मैं उस वक्त तक जिंदा रहता, जो तीर तुझ पे फेंका जाता मैं अपने सीने में लेता, जो पत्थर तुझ पे फेंका जाता मैं अपने सर पे सहता। लेकिन कहां जिंदा रहूंगा, चरागे सहरी हूं, कब्र में कदम लटकाए बैठा हूं, लेकिन गवाही देता हूं कि तू अल्लाह का आखिरी रसूल है, हश्र में मुझे भी अपने गुलामों में शुमार करना।